हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉकों पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि एफएमजी सेक्टर से बिलोंग करता है और इसका फंडामेंटल हमें काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, इसका प्राइस हमें फिलहाल हमें काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना कर रख सकते हो। इसका जो फिलहाल का जो हिस्ट्री रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। अभी तक इस स्टॉक ने ज़बरदस्त तरीके से अपने शेयर होल्डर को मुनाफा दिया है और दोस्तों फ्यूचर में भी इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रैली देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड हम सारे इन्फॉर्मेशन एक बार देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की रिगार्डिंग। और दोस्तों, स्टॉक हमें एफएमजी सेक्टर से बिलोंग करते हुए देखने को मिल रहा है। और इस स्टॉक ने अगर बात करें पिछले ट्रेडिंग सेशन का, तो इसमें हमें 1% के आसपास का हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, हम बात करेंगे पिछले 6 मंथ का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो पिछले 6 मंथ में इस स्टॉक में यहाँ पर हमें 20% के अप्रोक्स में मुनाफा देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग के सामने में यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा हमें मुनाफा दिया है पिछले 6 मंथ में दोस्तों। और दोस्तों, हम बात करेंगे पिछले 1 साल का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने ओनली यहाँ पे 4% के आसपास का मुनाफा दिया है। हालांकि हम बात करेंगे पिछले 5 ईयर का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो यहाँ पे 100% के अप्रोक्स में मुनाफा दिया है, जो कि आप लोग के सामने में है। और दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे अधिक दिनों का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो सबसे अधिक दिनों में भी इस स्टॉक ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर मुनाफा दिया है दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि हम बात करेंगे इसका सेक्टर के रेशियो का, तो यहाँ पे 58 के अप्रोक्स में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के रेशियो से इस स्टॉक का रेशियो हमें थोड़ा सा हाई यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी का, तो यहाँ पर 18% से एबव का फिगर है, जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों, हम बात करेंगे इसका फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे 1 रुपये हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो इसका 52 वीक लो एंड हाई की हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टॉक हमें 2700 प्लस का फिगर हमें देखने को मिला था इसी साल, जो कि इसका यहाँ पे लो है 1900 रुपये के आसपास का। तो स्टॉक दोस्तों अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। आप लोग इसके ऊपर फोकस बना कर रख सकते हो। फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 3000 की भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। और दोस्तों, इस स्टॉक में म्यूचुअल फंड का होल्डिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें यहां पे देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग के सामने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से इस स्टॉक में यहाँ पर हमें म्यूचुअल फंड का होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इसका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि म्यूचुअल फंड का होल्डिंग उसी स्टॉक में हमें देखने को मिलता है जिसमें अच्छा खासा हमें रिटर्न देखने को मिलता है। तो आप लोग समझ सकते हो स्टॉक हमें फ्यूचर के लिए कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो इसका जो रेवेन्यू का यहाँ पर फिगर है, ग्राफ है, एवरी ईयर का काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है, जो कि हमें ये समझना चाहिए कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से इस स्टॉक का फंडामेंटल हमें देखने को मिला। क्योंकि एवरी ईयर कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू का फिगर शो किया है अभी तक। और दोस्तों, बात करें नेट प्रॉफिट का, तो इस साल का सबसे हाईएस्ट यहाँ पे हमें प्रॉफिट का फिगर भी देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग। एवरी ईयर जबरदस्त तरीके से हमें फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, हम बात करेंगे सेल्स का, तो सेल्स का फिगर भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा सेल्स का फिगर शो किया है, जिसकी वजह से दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे प्रॉफिट का फिगर भी यहाँ पे हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जून क्वार्टर के अकॉर्डिंग। तो स्टॉक हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 3000 की भी इनकी क्रॉस करके आगे जाती हुई देखने को मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों, बात करेंगे इसका रिजर्व फंड सरप्लस का रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जिस तरीके से हमें रिजर्व फंड सरप्लस का फिगर देखने को मिल रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे देख सकते हो कि एवरी ईयर कंपनी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा रिजर्व फंड सरप्लस का फिगर अभी तक शो किया है, जो कि अच्छे कंपनी का निशानी होता है। और दोस्तों, मैं यहाँ पर स्टार देना चाहूँगा क्योंकि इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रिजर्व फंड सरप्लस का फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग का,
तो यहाँ पे दोस्तों हमें डेप्थ का फिगर एकदम से जीरो फिगर हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म बोरिंग का दोस्तों, तो यहाँ पे भी हमें एकदम से जीरो फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों यहाँ पे भी मैं स्टार देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से इसका हमें फंडामेंटल देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करें फिक्स एसेट का, तो फिक्स एसेट का फिगर भी आप लोग के सामने में जबरदस्त तरीके से यहाँ पे फिक्स एसेट का फिगर भी हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का फिगर भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि पिछले साल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, हालांकि ये भी फिगर अपने आप में यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा है। तो जिस तरीके से इसका फंडामेंटल है दोस्तों वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से काफ़ी आगे जाती हुई हमें देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, स्टॉक हमें बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। और दोस्तों हम बात करेंगे इस स्टॉक में यहाँ पे इनके प्रमोटर का होल्डिंग का, तो यहाँ पे 62% के अप्रोक्सीमेट होल्डिंग है, जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों यहाँ पे FII का होल्डिंग भी ज़बरदस्त है, और दोस्तों यहाँ पे DII का होल्डिंग भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। जो कि रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग की बात करेंगे तो ये भी फिगर भी अपने आप में हमें यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डर पैटर्न भी अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। फ्यूचर के लिए स्टॉक हमें बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है, स्टॉक हमें रिस्क फ्री देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इस स्टॉक में हमें डिविडेंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिलता है, तो आप लोग इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। स्टॉक हमें काफ़ी सेफ वे में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, अगर इस स्टॉक में यहाँ से थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिलता है तो इसका प्राइस हमें 2240 के अप्रोक्सीमेट आते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 3000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, स्टॉक अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डेप्थ फ्री है, और दोस्तों इसका फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इस स्टॉक में म्यूचुअल फंड का होल्डिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।